नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में विधायिका श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता ने डागापाड़ा मां सरस्वती पंडाल की जमकर तारीफ की। आज निरसा की विधायिका श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता ने डागापाड़ा स्थित मां सरस्वती पंडाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस पंडाल को बनाने वाले सभी कार्यकरों को शुभकामनाएं दी और वो आगे ऐसे ही अच्छे कार्य और कलाकृतियां करते रहें, और साथ ही मुख्य रूप से दो कलाकारों की काफी सराहना की। इस मौके पर निरसा डागापाड़ा के MC क्लब के सदस्य वहां उपस्थित रहे। निरसा संवाददाता अशोक चौहान की रिपोर्ट। शासन बढ़िया डांगापाड़ा में अभी हम आए हैं और यहाँ सरस्वती पूजा का जो एक भव्य पंडाल देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले तो उन कारीगरों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनका जो इतना अच्छा काम किए हैं वो भविष्य में बहुत आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने में जो भी हम लोग का सहयोग रहेगा हम लोग करेंगे। और ये पूजा हर साल तो होता ही है, इसको और अच्छा से आगे बढ़ाएं, उसमें जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। और पुनः फिर पूजा कमेटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इन्होंने हर साल एक बहुत अच्छा सरस्वती पूजा का एक आयोजन करते हैं, और उन कलाकारों को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद कर रहे हैं भविष्य में वो बहुत आगे बढ़ेंगे और मेरा आशीर्वाद कलाकार देखिए पता है कि आप लोग को ये पंडाल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मिली हम लोग का जो भी MC क्लब के मेंबर लोग हैं, जैसे पुराना मेंबर जो है हम लोग का और नया मेंबर, पुराना मेंबर हम लोग का बहुत साथ दिया, और हम लोग का जो नया यंग बैच है ये लोग काम पे बहुत ध्यान दिया हम लोग के साथ, पसंद हुआ सब पुराना मेंबर और नया मेंबर मिल के ये थीम तो, और ये थीम एक्चुअली राजस्थानी थीम, राजस्थानी माल टाइप, तो बस हम लोग कोशिश की इस लोग को मेहनत से। इस कार्य में कितने लोगों ने आपका सहयोग किया? मोटा मोटी 15 से 20 लड़का सब आपके गांव के ही थे ना? सब गांव। कितने का लगभग बजट आया होगा? 80,000 खाली आपका हम लोग का मेन बजट जो है खर्चा हो जाए, उसके बाद अदर। और कुछ पंडाल के बारे में आप बताएं। पंडाल के बारे में जैसे साहब मेहनत किया है, बहुत ही एमसी क्लब का बहुत मेंबर से बहुत ही किए मेहनत के, सब सब मिल के हम लोग किए हैं।